भाई अगर स्मार्टफोन प्रोसेसर की बड़ी कंपनीज की बात करें तो क्वालकॉम का नाम आता है, मीडियाटेक का नाम आता है, सैमसंग का नाम आता है, हाई सिलिकॉन का नाम आता है। लेकिन अब जो न्यूज निकल के आ रही है भाई, वो पर्टिकुलर मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगी है भाई। ये न्यूज निकल के आ रही है एएमडी की तरफ से। हमने थोड़े दिन पहले बात करी थी कि भाई सैमसंग एक्सिनोस प्रोसेसर में हमको एएमडी का जीपीयू देखने को मिलेगा, और ये न्यूज काफी पॉपुलर हुई थी क्योंकि भाई अगर एएमडी का जीपीयू आपको किसी प्रोसेसर में देखने को मिलता है तो भाई वहां पर आपको फ्लैगशिप परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। लेकिन अब जो न्यूज निकल के आई है वो ये है भाई कि एएमडी की तरफ से राइजन C7 एक प्रोसेसर हमको देखने को मिलने वाला है, जो कि स्मार्टफोन का प्रोसेसर है। राइजन C7 एएमडी की तरफ से आने वाला पहला स्मार्टफोन प्रोसेसर होने वाला है। और भाई इसकी जो स्पेक लिस्ट है वो पूरी तरीके से लीक हो चुकी है। अब भाई जो लीक हुई है वो कंफर्म है या नहीं है ये चीज तो भाई मैं श्योरली नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ स्पेसिफिकेशन लीक जरूर हुई है और इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर इन स्पेसिफिकेशन के साथ में ये प्रोसेसर लॉन्च होता है तो कैसा होने वाला है ये प्रोसेसर, क्या ये क्वालकॉम मीडियाटेक को टक्कर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट करते हैं और लाइक टारगेट रखते हैं भाई 150 लाइक्स का। आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रो टेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। भाई सबसे पहले फैब्रिकेशन प्रोसेस से, तो ये वाला जो प्रोसेसर है ऐसा कहने में आ रहा है कि ये TSMC की तरफ से बनाई गई चिप है, जहां पर आपको 5 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस देखने को मिलेगी। अभी तक इंडस्ट्री में एक भी प्रोसेसर ऐसा नहीं है जो 5 नैनोमीटर पर लॉन्च कर दिया गया हो। ये वाला प्रोसेसर पहला ऐसा प्रोसेसर हो सकता है जो 5 nm पर आपको देखने को मिले। हो सकता है एप्पल A14 पहले आ जाए, ये बाद में आए, लेकिन भाई ये चीज निकल के आई है कि ये वाला जो प्रोसेसर है ये 5 nm पर बेस्ड होगा, यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी आपको बहुत तगड़ी देखने के लिए मिलेगी और हीटिंग का इशू भी आपको काफी कम देखने को मिलेगा किसी फोन में जो इस वाले प्रोसेसर के साथ में आता है। 5 nm की फैब्रिकेशन प्रोसेस। CPU की अगर बात करें तो भाई यहाँ पर आपको ट्राई क्लस्टर आर्किटेक्चर देखने के लिए मिलेगा, 2+2+4 की बिग लिटिल अप्रोच देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर पहले 2 कोर आपको मिलेंगे AMD की तरफ से डिजाइन करे हुए खुद के गॉगिन प्रो मोबाइल प्रोसेसर्स, मोबाइल CPUs, जो कि बेस्ड है ARM Cortex X1 के ऊपर, और क्लॉक स्पीड यहाँ पर मिलेगी आपको 3.0 GHz की। X1 जो है ARM Cortex की तरफ से आने वाला, ARM की तरफ से आने वाला सबसे लेटेस्ट और सबसे पावरफुल CPU है, तो यहाँ पर काफी तगड़ा CPU आपको देखने को मिलेगा। जो अगले 2 कोर मिलेंगे वहां पर मिलेगा अगेन AMD का डिजाइन करा हुआ गॉगिन स्मार्टफोन CPU, जो कि बेस्ड है ARM Cortex A78 के ऊपर। A78 भी भाई हाल ही में लॉन्च हुआ है और काफी ज्यादा लेटेस्ट है। जो X1 है वो थोड़ा पावरफुल है, A78 उससे थोड़ा कम पावरफुल है, लेकिन जो आपको 865 प्रोसेसर Snapdragon 865 में A77 मिलता है उससे कहीं ज्यादा पावरफुल CPU है A78 वाला। तो यहां पर काफी तगड़े कोर्स देखने के लिए मिलेंगे A78 वाले, और बचे हुए जो 4 कोर हैं वहां पर, हाँ A78 वाले कोर में आपको 2.6 GHz की क्लॉक स्पीड मिलेगी, और जो बचे हुए 4 कोर हैं वहां पर आपको ARM के A55 कोर्स देखने के लिए मिलेंगे, ARM Cortex A55 वाले, और क्लॉक स्पीड वहां पर 2 GHz के आसपास आपको देखने को मिलेगी। ओवरऑल CPU को अगर देखा जाए तो भाई यहां पर काफी तगड़ा CPU है, क्लॉक स्पीड भी काफी तगड़ी दी गई है, 3.0 GHz की पीक क्लॉक स्पीड है। X1 वाले कोर है, A78 वाले कोर है, यानी परफॉर्मेंस आपको काफी ज्यादा तगड़ी यहां पर देखने को मिलेगी। GPU की अगर बात करेंगे भाई तो यहां पर AMD का Radeon RDNA GPU देखने के लिए मिलेगा, जो कि भाई 45% फास्टर है Qualcomm Snapdragon के Adreno 650 GPU से। 45% फास्ट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। क्वाड कोर GPU है, 700 MHz पर आपको देखने को मिलेगा, और इस GPU के अंदर भाई ये पहला ऐसा GPU होने वाला है जिसके अंदर आपको रियल टाइम हार्डवेयर एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा, रे ट्रेसिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, और उसी के अलावा और कुछ भी यहां पर आपको नए नए फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे GPU के साथ में, जो आपको आज तक देखने को नहीं मिले हैं। तो यहां पर भाई GPU भी काफी तगड़ा और काफी पावरफुल लगाया गया है, यानी गेमिंग की भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस इस प्रोसेसर से देखने को मिलेगी। इसी के अलावा बात कर लें यहां पर वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन की, तो यहां पर आपको अप टू 4K वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिलेगा या 8K वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। डिस्प्ले सपोर्ट की बात करेंगे तो 2K डिस्प्ले का सपोर्ट मिलेगा आपको 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के ऊपर, यानी गेमिंग ओरिएंटेड चिपसेट बनाया जा रहा है, क्योंकि आजकल जो डिवाइस
डिवाइस आते हैं वो हाई रिफ्रेश रेट की मांग करते हैं, स्पेशली जो गेमिंग डिवाइस होते हैं। तो भाई यहाँ पर जीपीयू भी आपको तगड़ा दे दिया है, यहाँ पर आपको डिस्प्ले का सपोर्ट भी, रिफ्रेश रेट भी काफी तगड़ा देखने के लिए मिलता है। 2K डिस्प्ले 8144 हर्ट्ज के रिफ्रेश पैनल के साथ में मिलेगा, तो यहाँ पर डिस्प्ले सपोर्ट भी काफी तगड़ा दिया गया है। रैम सपोर्ट की बात करेंगे तो LPDDR5 रैम का यहाँ पर सपोर्ट मिलता है, 2750 मेगाहर्ट्ज की यहाँ पर आपको रैम फ्रीक्वेंसी मिलेगी, UFS 3.1 वाली स्टोरेज का सपोर्ट मिल जाएगा। तो भाई काफी तगड़ा काम यहाँ पर किया गया है स्टोरेज और रैम के मामले में भी। और उसी के साथ में बात करें यहाँ पर नेटवर्क मॉडेम की, तो नेटवर्क मॉडेम के लिए यहाँ पर MediaTek का अल्ट्रा सेव मॉडेम आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको Dimensity 1000 प्लस में देखने को मिला है, 820 में देखने को मिला है, जहां पर डुअल बैंड 5G का आपको सपोर्ट मिलेगा, यानी डुअल मोड 5G का, डुअल बैंड नहीं भाई, डुअल मोड 5G का सपोर्ट मिलेगा, जहां पर दोनों सिम में आप 5G चला सकते हो। उसी के साथ में अल्ट्रा सेव टेक्नोलॉजी है, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यहां पर बैटरी कंजप्शन आपको इससे काफी कम देखने के लिए मिलेगा। जब आप आइडियल रहेंगे तभी अपने आप 4G नेटवर्क पर स्विच हो जाएगा, और जब आप गेमिंग करेंगे या कुछ हेवी यूसेज लेंगे जहां पर इंटरनेट का यूज ज्यादा होता है, तो वहां पर ऑटोमेटिक 5G पर यहां पर इसको स्विच कर देगा। तो यहां पर अल्ट्रा सेव मॉडेम यूज किया गया है। ओवरऑल अगर बात करेंगे भाई तो बहुत तगड़ी फैब्रिकेशन प्रोसेस है, बहुत ही ज्यादा तगड़ा CPU है, GPU भी आपको काफी तगड़ा, और GPU के मामले में भाई AMD Radeon की तो बात ही नहीं करनी चाहिए, कितने तगड़े GPU है ये चीज हमको पता है। उसी के साथ में मॉडेम भी काफी तगड़ा यूज किया गया है, रैम एंड स्टोरेज भी आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है, साथ ही साथ डिस्प्ले सपोर्ट भी काफी अच्छा यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो भाई ये वाला जो प्रोसेसर है ना काफी तगड़ा स्पेसिफिकेशन के साथ में तो देखने को मिल रहा है, लेकिन भाई ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है ये एकदम कंफर्म स्पेसिफिकेशन नहीं है भाई, ये लीक्स निकल के आए हैं अभी इस प्रोसेसर के बारे में। अब भाई ये प्रोसेसर अगर लॉन्च हो जाता है इन्हीं स्पेसिफिकेशन के साथ में, तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर से बताओ भाई कि कैसे लगे आपको इसके स्पेसिफिकेशंस, और अगर ये लॉन्च हो जाता है तो क्या क्वालकॉम के नए वाले प्रोसेसर जो स्नैपड्रैगन 875 हो सकता है, क्या ये प्रोसेसर उसको टक्कर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। मेरे चैनल के ऊपर आपको इसका कंपैरिजन बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा, बस ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी कंफर्म हो जाए कि ये वाला प्रोसेसर वाकई में लॉन्च होने वाला है। वैसे ही मेरे चैनल के ऊपर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगी, कंपैरिजन देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन आप मेरे को अभी कमेंट करके जरूर से बताना भाई कि ये स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपको प्रोसेसर कैसा लगा और क्या ये दूसरे प्रोसेसर को टक्कर देने लायक है या नहीं है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंच जाए आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।